मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ पर करीम होटल प्राइवेट लिमिटेड में, और मैं फोर्थ जनरेशन में से हूँ। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था 1913 में। तो चूँकि वो कुछ हमारे को शेफ थे मुग़ल दौर में, बादशाह जफर के ज़माने से, हमारे दादा ये कहते थे कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, तो हमने जब से वही संभाला है तो हमने सब देखी हुई है यहाँ। तो सारी तो आज आपका भाई आया है जामा मस्जिद मटिया महल करीम होटल में, जो करीम होटल दिल्ली का क्या इंडिया का मुगलाई खानों के अंदर सबसे बेस्ट माना जाता है, और मुगलाई खानों की बात करें तो करीम होटल के बिना अधूरा लगता है। तो आज हम भी आए हैं करीम होटल में, यहाँ पे हम कुछ कस्टमर्स के रिव्यू लेंगे जो यहाँ पे करीम होटल के ओनर हैं जैनुल आबदीन साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे, डिटेल जानेंगे पूरी कि करीम होटल की क्या हिस्ट्री है, कितना पुराना है, उनकी सिग्नेचर डिश कौन सी हैं जो खाई जाती हैं, और थोड़ा आपको रिव्यू देंगे। वैसे हमारी कोई हैसियत नहीं है करीम होटल की फ़ूड को रिव्यू करने की, लेकिन आए हैं तो ज़रूर देंगे, ज़रूर टेस्ट करेंगे खाना, जितनी आइटमें हो सकेंगी इनकी मुगलाई की उतनी आइटमें हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, मेरा नाम जैनुल आबिदीन है, आमतौर से मुझे यहाँ जैन साहब कह देते हैं, जैन नाम है मेरा, जैन साहब कह देते हैं, और मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ पर करीम होटल प्राइवेट लिमिटेड में, और मैं फोर्थ जनरेशन में से हूँ। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था 1913 में। तो चूँकि वो कुछ हमारे को शेफ थे मुग़ल दौर में, बादशाह जफर के ज़माने से, तो एक रिच खाने को कॉमन मैन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, और वो उनका मकसद ही यही था कि रिच खाने को हम आम आदमी तक कैसे पहुंचाएं। इसलिए उन्होंने यहाँ जामा मस्जिद में, अंडर द शेडो ऑफ जामा मस्जिद, यहाँ उन्होंने सबसे पहले शुरू किया। और उस ज़माने में हम आलू गोश्त और रोटी बेचते थे और दाल बेचते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने इसको शुरू किया, और डिमांड आती गई, हम बढ़ाते गए खाने। तो ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने, और मैं फोर्थ जनरेशन में से हूँ, मेरे आगे आने वाले बच्चे मेरे वो भी सब जॉइंट फैमिली है, सबके बच्चे लगे हुए हैं। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है उन्होंने बाकायदा, उसको वो और जगह ब्रांचेज हैं उनमें देख रहे हैं सब मेरे कज़न थोड़ा सा आगे बढ़े काम को। जी हाँ, सब फैमिली में जॉइंट फैमिली है, तो सबसे लोग सब मिल करके देखते हैं। तो बहरहाल अब हमारे यहाँ जो स्पेशलाइज है वो हमारे यहाँ खानों से मुतालिक है, जितने भी स्पाइसेस में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हम, और टेस्ट जो जिस डिश का नाम लेते हैं उसी डिश के उसी फॉर्मूले से उसी रेसिपी से बनाया जाता है। यानी अगर कोरमा है तो वो कोरमा ही रहेगा, उसकी रेसिपी अलग, उसमें स्पाइसेस अलग रहेंगे, और अगर स्टू है तो स्टू की रेसिपी अलग होगी, कलर अलग होगा। और इसी तरह ब्रेन करी है, गुर्दा कलेजी है, और नहारी है हमारी यहाँ स्पेशल, मटन नहारी कमी होती है। अच्छा, मटन नहारी पहले मॉर्निंग में बिकती थी, लेकिन अब जो है पूरे दिन चलती है, ये कस्टमर की डिमांड पे है क्योंकि पूरे दिन नहारी खाई जी। हाँ, असल में नहारी का मकसद तो नहारी मुँह का खाने का था, वो आप पहले भी अक्सर बता चुके हैं कई लोगों को भी, और ये हकीकत भी है जो आपने कहा कि नहारी जो है नहार मुँह खाई जाती है। वो इसलिए मैं आपको बेतकल्लुफ़ बता दूँ कि लोग जो लोग शादीशुदा होते थे वो एनर्जी रात भर उनकी कम होती थी, तो उसको पूर करने के लिए नहारी सुबह नाश्ते में खाई जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत हैवी डिशेज सुबह ही नाश्ते में, तो उसका एक रीज़न होता था। तो रात भर इंजॉय करके सुबह वो नाश्ता भरपूर लेते थे नहारी और पाए का, तो वो हमने सुबह ही रखी थी। लेकिन अब चूँकि ऐसा माहौल चेंज हो गया है, क्योंकि दिन लोग अब देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, तो अब हम नहारी उसको हमने 24 मतलब ये सुबह से शाम तक ही रखते हैं, जब से हमारा होटल खुलता है रात तक 12 बजे तक हम उसको नहारी को हर वक्त अवेलेबल रहती है। वो ख़त्म हो जाए अलग बात है, लेकिन रहती है ज़्यादातर। मैंने आपके यहाँ का जो है वैसे नॉर्मली खाते रहते हैं आके, यहाँ पे मटन बर्रे के बारे में कुछ बताइए क्योंकि बहुत ही शानदार। मटन बर्रा जो है करीम होटल की सिग्नेचर डिश है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इसको मैरिनेट 12 घंटे तक मैरिनेट करते हैं हम इसे, और उसके बाद फिर हम इसको तंदूर में सेक करके करते हैं, तो उसको टाइम पूरा भरपूर देते हैं भरपूर, तो उसी में वो थोड़ा मेल्ट हो जाता है, गल जाता है वो प्रॉपर, उसमें मसाले लगाते हैं हम, तो हमारे यहाँ मसालों में या कोई रेसिपी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जो उस दौर की थी वही हैं। और भी बहुत सी डिशेज़ हैं वो हम ऑर्डर पर बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मटन करी है, तो मटन करी हमारे यहाँ दही के साथ स्पाइसेस वगैरह और दूसरे वो हम डालकर बनाते हैं, और उसमें दम दिया जाता है बाकायदा 2 घंटे तक उसको दम देते हैं, जिसको बहुत हल्की आग पर रखा जाता है खाने को, ताकि अंदर तक गल जाए और बहुत सॉफ्ट हो जाए।
तो ऐसे ही मटन स्टू है, मटन स्टू में हम साबुत मसाले डालते हैं, आम तौर से लोग खड़े मसाले भी कह देते हैं, हम उसको साबुत मसाले, और वो हम उसमें प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उसमें, तो वो एक अलग डिश है, उसका रंग भी अलग होगा, उसका टेस्ट भी अलग होगा। उसके बाद हमारे यहाँ बटर नान है, आइटम तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें जो ख़ास ख़ास है मैं वो बता रहा हूँ आपको, बटर नान है वो आपको इंशाल्लाह कहीं नहीं मिलेगा, हम बड़ा सॉफ्ट सा बनाते हैं उसको, बड़ा स्पंजी सा, बहुत सॉफ्ट सा होता है वो, अगर आप खाएं, और वो काफ़ी हैवी भी होता है। टाइमिंग क्या है जैसे? टाइमिंग हमारे यहाँ सुबह 9 बजे शुरू होता है, क्योंकि पहले तो हम 7 बजे शुरू करते थे, तो लोग अब देर से आते हैं, देर से उठते हैं, तो हम सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मुसलसल चलता है ये कंटिन्यू। तो इसमें कुछ सुबह के टाइम में टूरिस्ट हजरात भी आते हैं, फिर लंच में भी टूरिस्ट हजरात, फॉरनर्स बहुत आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टूरिस्ट आते हैं, फिर शाम को अब प्रॉपर लोग खाना खाने डिनर के लिए आते हैं। तो ऐसा है कि हमने वेजिटेरियन भी, हमारा डिपार्टमेंट एक अलग ही है, उसमें हमने वेजिटेरियन डिशेज़ रखी हुई हैं, और उनके बर्तन भी अलग हैं, उनके चमचे भी अलग हैं, क्योंकि कुछ हजरात हमारे यहाँ गेस्ट ऐसे आते हैं कि जो हमारे यहाँ खाने से पहले कहते हैं जी हमें ज़रा विज़िट कराओ किचन की, तो हम उन्हें वो भी कराते हैं। तो ये स्पेशल जो है वेज वालों के लिए हैं, जो लोग वेज के शौकीन हैं, सर ने बताया कि वेज वालों के लिए किचन भी अलग किया हुआ है, मुगलाई रेस्टोरेंट ज़रूर है लेकिन वेज वालों का पूरा ख्याल रखा जाता है करीम होटल में। और ये स्पेशल बात हो रही है, मैं दोबारा से बोलूँगा सर, बहुत बहुत थैंक यू हमारे लिए, आपने इतना कीमती टाइम निकाला है। जो आइटम हमारी हैं वो दोनों हैं, चिकन में भी है और मटन में भी, यानी स्टू कोरमा बिरयानी, ये मटन में भी है चिकन में। एक दूसरी हमारे यहाँ डिश होती है स्पेशलिटी, उसे हम बादाम पसंदा कहते हैं, बादाम, हाँ, जो वो बोनलेस होता है मटन, और उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो बोन वगैरह का नहीं यूज़ करना चाहते, तो उसके लिए हमने अलग से बादाम पसंदा, अलग ग्रेवी बनाई है। और फिर बार बार मैं यही कहूँगा कि उनकी सबकी रेसिपी अलग है, कलर अलग है, टेस्ट अलग है, ऐसा नहीं है कि कोरमा हमने एक ग्रेवी बना के सारी ग्रेवी हमने उसमें बना ली हूँ, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ सब ग्रेवी, हर चीज़ उसी वक्त बनाई जाती है। और मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, आज हम बात कर रहे हैं सर के साथ क्योंकि टाइम बहुत कीमती है सर का, तो आज हम बात कर रहे हैं और कल हम खाना खाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये एक्सक्लूसिव बातचीत हो रही है जैनुल आबदीन साहब से जो करीम होटल के ओनर हैं। तो मैंने देखा है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हैं और नेता, अभिनेता सब यहाँ आए हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, कोई स्पेशल जो रेगुलरली आते हों हमारे यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मैं आपको पॉलिटिशियन हमारे जो बहुत देश के एक लीड करते हैं हमारे देश को, हर तरह के, हर लोगों से, हर पार्टी के, तो वो तशरीफ़ लाते हैं, नहीं तो खाना मंगा लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से लोग आते हैं, तो इसलिए हम उनका ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है। और हर तरह के लोग आते हैं, एकेडमिक भी आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, और शायर हजरात आते हैं, और इंटेलेक्चुअल भी आते हैं, सभी जो हर तबके से ताल्लुक तकरीबन हमारे यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं और हम उनको वेलकम करते हैं। पुरानी दिल्ली की और दिल्ली के आसपास की बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं और सभी अच्छी जगहों की हैं, क्योंकि मैं खुद लोकल पुरानी दिल्ली का हूँ, मैं अधूरा मानता था जब तक करीम होटल की वीडियो मैंने नहीं बनाई। आज सर से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चैनल पे अब वीडियोस कंप्लीट हो रही हैं और आगे और अच्छी आपके लिए वीडियोज आती रहेंगी। एक मैं पॉइंट आपको रेज करना चाहता हूँ, वो ये है कि करीम होटल अपनी हिस्ट्री में, हम साल के तीन हिंदुस्तान में, दिल्ली में तीन मौसम हैं, हम गर्मी के हिसाब से उसमें और चेंज करते हैं, सर्दियों के हिसाब से हम चेंज करते हैं, बरसात के हिसाब से अलग, तो हमारे यहाँ तीन मौसम हैं, तो हम हर मौसम का लिहाज करते हुए, ये टेक्निक है, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगी, हम उसके ताकि सूट करें उन्हें हर मौसम के हिसाब से। ये चीज़ मैंने भी कहीं नहीं देखी है कि मौसम के हिसाब से तीन सीज़न है तो तीन सीज़न के हिसाब से जो है मसालों को रखा जाए। आप जाहिर सी बात है मुगलाई किंग बोला जाता है करीम होटल को, तो ये आपकी स्पेशलिटी है। बिल्कुल, जिन लोगों को पूरा होल मटन खाना हो तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, 24 आवर्स पहले पूरा बकरा उनके लिए ड्राई फ्रूट भर के, जैसे भी करीम की स्पेशलिटी है वो भी मिलेगा। और हमारे जो बड़े हैं वो सब टेक्निकली खाना बनाना जानते हैं, सब हमारी फैमिली में, हमारे सब कज़न भाई भाई सब, हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हमें काफ़ी मालूमात है, हमने अब सीखा है। बिल्कुल सर, हमारे दादा ये कहते थे कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, तो हमने जब से वही संभाला है तो हमने सब देखी हुई है यहाँ, तो सारी हमें नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, रेसिपी के बारे में सब कुछ सभी को मालूम मेरी फैमिली में।
ये हमारे यहाँ चार पोर्शन है, एक हॉल नंबर एक कहते हैं हम उसे, वो साइड पर है, ये हॉल नंबर दो है, ये हॉल नंबर तीन है, ये हॉल नंबर चार है। इसमें ऊपर मेज़नी भी है, यहाँ भी है, और ये मेन दो है ये। तो हम 9 बजे से 12 बजे तक चलता है। सर एक टाइम में कितने लोग यहाँ पे खाना खा सकते हैं? हमारे यहाँ एक टाइम में 110 लोग खाना, अलग अलग है हमारे यहाँ हॉल, सबके पोर्शन अलग अलग हैं। अगर हम इसको मिला लेंगे तो 100 के नियर अबाउट 100 तो हैं। इसको हमने चेंज नहीं किया, जो 100 साल पहले था इसको आज वैसे ही रखा हुआ है। ये मॉडर्न लोग कहते हैं हमसे बना लो, लेकिन हम चाहते नहीं, जो उनकी पुरानी निशानी है इसको ऐसे ही बरकरार रखा जाए। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इवनिंग में, बहुत पीक आवर चलता है इनका, और बैठने की जगह तक नहीं रहती है। तो कुछ कस्टमर्स का रिव्यू लेंगे, पूछेंगे कहाँ से आए हैं, कैसा खाना लग रहा है। क्या बोल रहे हैं? क्या फेवरेट है आपका, थोड़ा जोर से बता। रोहिणी से करीम होटल पे खाने के लिए क्या फेवरेट है आपका? फर्स्ट टाइम आ रहा है या कुछ फेवरेट है आपका यहाँ पे? चलिए। सो मेरे फादर आया करते थे यहाँ पर 90s में, जब भी वो दिल्ली आते थे वो हमेशा बोलते थे करीम का कोरमा नहीं खाया तो दिल्ली आना बेकार है। तो कैसा लगा आज आपको खाया? बहुत ही शानदार, बहुत ही लज्जतदार, मज़ा आ गया। और सर आपको कैसा लगा? मैंने भी सेम इसी साथ खाना शेयर किया है, तो हम दोनों ही एनआर आए हैं, ये यूरोप में रहता है, मैं दुबई में रहता हूँ। क्या बात। सो हमने आने के बाद ही डिसाइड किया था कि सबसे पहले जाना है तो खाना खाने कहीं करीम में ही। क्या बात। वैसे तो और भी जगह का, मतलब पाकिस्तान हो गया, टर्किश हो गया, सब जगह खाना हमने ट्राई किया है, लेकिन करीम से जो करीम की बात, करीम की बात, बहुत बड़ी बात बोली आपने, बहुत अच्छा लगा। चलिए थैंक यू। तनवा से आए हुए गोरखपुर के पास नेपाल बॉर्डर पे, और यहाँ खाना खाने के लिए हम 20 किलोमीटर सफ़र तय करके आए हैं। खाना यहाँ का बहुत लाचीज और बहुत बढ़िया था। हमारे दोस्त ताफिज भाई और ये मुझे यहाँ पे करीम में खाना खाते हुए मिल गए, जा रहे थे। भाई क्या खाया आपने और कैसा लगा खाना? राजा भाई खाना तो आपको पता ही है एक नंबर है, लेकिन जब हमारा मूड होता था हम मटन नहारी, सीख कबाब मटन के कभी भी खाना आए थे हम, तो बस उम्दा खाना एकदम बढ़िया, बस मज़ा ही आया था। मतलब मॉर्निंग में आते ही हैं ऐसे, यहाँ की नहारी बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा। तो नहारी खाने थोड़ा टाइम हमारे सारे कई सारे फ्रेंड्स हैं, कॉलेज से हम आ रहे हैं, कॉलेज टाइम से आ रहे हैं यहाँ। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 10 to 15 years हो गए मिल के आते हैं ब्रेकफास्ट करने। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम करीम पे आए स्पेशली कबाब मस्ट ट्राई है। अगर मैं करीम के नाम से दो चीज़ें आपसे बोलूँ तो क्या पसंद है आपको? मटन में है मटन कबाब और चिकन जहांगीरी। और मैम आपको? सेम है, मतलब मैंने शादी के बाद ही आना शुरू किया है यहाँ पे, मैं पहले नहीं आती हूँ, बट जो टेस्ट है यहाँ का वो अनबीटेबल है, और कहीं पे मुझे ऐसा टेस्ट नहीं मिला, तो मतलब बेस्ट फूड इन दिल्ली। कैसा लगा फूड आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भाई एक बात बताइए, आप भी खाते हैं जो सारी आइटम्स निकाल रहे हैं? हम खाते हैं, नहीं जाता, दिल भर जाता हमारे। सही बात है, निकालते निकालते ही जो है पूरा दिल भर जाता है। वैसे आपकी फेवरेट क्या है इन सब आइटमों में से? अच्छा, नमक चखते रहते हैं रोज। सही है, फिर तो सभी आपकी फेवरेट है। चलिए शुक्रिया। ये शीरमाल है, कीमा नान, और खाने के बाद डेजर्ट, ये खमीरी रोटी है, ये चिकन करी, मटन बर्रा, और ये दाल मखनी, ये चिकन करी, ये नहारी है, कोरमा है, और ये कोरमा है, मटन स्टू, शाही पनीर, ये बटर चिकन है, और ये बटर चिकन, सीख कबाब, पालक पनीर, ये ब्रेन करी है, ये चिकन स्टू है, और रुमाली रोटी, और ये सब चीज़ें आबदीन साहब ने लगवाई है, और यही खासियत है, यही वैरायटी है करीम की जो हर जगह नहीं मिलता है। तो चलिए अभी कुछ आइटम टेस्ट करते हैं और सर से स्पेशलिटी जानते हैं इनकी। पालक पनीर भी मिलेगा आपको, दाल मखनी भी मिलेगी, मटन बर्रा भी मिलेगा, ये जो शाही पनीर भी है। वेज वालों के लिए बहुत वैरायटी है जितनी नॉन वेज वालों के लिए है। तो चलिए आप जिन हिसाब से
सर क्या प्रेफर आप करेंगे? पहले ये आप टेस्ट कीजिए, इसको जहांगीरी है या कोरमा है, पहले आप इसको टेस्ट कीजिए। फर्स्ट बाइट लेता हूँ और ये है जहांगीरी मटन, ये मटन बर रहा है, ये चिकन बर रहा है, ये नहारी है, बहुत शानदार है नहारी, ये खाइए आप, नहारी पसंद आएगी आपको, बहुत ही बढ़िया है ये मटन नहारी हमारी। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है, ना तो कोरमे जैसा है और ना ही दूसरा है। मैं बताया आपको, दोबारा बता रहा हूँ, हमारी यहाँ टेस्ट भी अलग है, कलर भी अलग है और जायका सबका, सबकी रेसिपी भी अलग है, सबकी रेसिपी अलग है, इतने आइटम सबकी रेसिपी अलग है। मटन नहारी है हमारे यहाँ, मटन नहारी यूज़ होती है जो दिल्ली में बहुत कम मिलती है, हर जगह तो बीफ नहारी, लेकिन ये मटन नहारी हम यूज़ सिर्फ मटन करते हैं, ओनली चिकन एंड मटन। और ये मटन नहारी बहुत जी शुक्रिया, बहुत बहुत स्पाइसी, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर है जी, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेनर भी आते हैं और कम स्पाइसेस वाले भी आते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं गेस्ट जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप करीम के खाने खा सकते हैं आप जाकर, क्योंकि बहुत हम कम यूज़ करते हैं स्पाइसेस वगैरह। अभी मैं सच बताऊँ तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं खाऊँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं और सारी बहुत अच्छी हैं, तो थोड़ा एक एक बाइट सब में से ले लीजिए आप। कोई बात मैं लेता हूँ, एक दाल मखनी ले लेते हैं जी जी, थोड़ा वेज भी हो जाएगा। दाल मखनी के साथ ये कम्बिनेशन है इसका, दाल मखनी इसके साथ। हाँ नान जो है बिल्कुल फ्लफी है और बहुत सॉफ्ट है, आप बहुत स्पंजी है सर। आप भी नहीं जी, मैं तो आपका टेस्ट मैं देखना चाहता हूँ, मैं तो घर में बहुत हल्का फुल्का खाना खाना, तो ये खाने देख देख कर दिल भर जाता है, दाल मखनी का फैन हो गया हूँ सर। जी शुक्रिया, मुगलाई में तो आप बेस्ट हैं जी जी, दाल मखनी का इतना शानदार टेस्ट है, जैसे बात है ना मखनी। बात यह है कि मुगल दौर के साथ साथ बीरबल भी, बीरबल साहब भी होते थे दरबार में, तो उनकी चॉइस का भी खास ख्याल रखा गया है। तो बता रहे सर के मुगल दौर में जो है बीरबल भी साहब होते थे जो वेज खाते थे, इसीलिए वेज का इतना कम्बिनेशन है, वहीं से कम्बिनेशन चला रहा है। बहुत ही बढ़िया, मैं बर्रा लेता हूं जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आता हूँ अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, तो और बर्रा ज़रूर खा के जाता हूँ। बर्रे की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि बहुत आराम से टूट जाता है, मटन होते भी जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। मैं आपको मटन दिखाता हूँ, ये मटन चाप है बर्रे की, मटन भी रुई की तरह हुआ हुआ है, बहुत ही बढ़िया था जी शुक्रिया। ये मैं बहुत सालों से खा रहा हूँ आइटम, एक ये आइटम और कोर में वगैरह, तो क्योंकि हम यहीं रहते हैं तो अच्छा, फैमिली के साथ। तो ये ब्रेन करी है, ब्रेन करी भी आप खाएंगे, ये बहुत कम होती है ऐसी, हर जगह यूज़ नहीं होती इस तरह। और ये मटन ब्रेन करी है, मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा पास से दिखा देना, इसमें मेथी का यूज़ ज़्यादा होता है ताकि स्मेल ना आए इसके अंदर से, मेथी का यूज़ ज़्यादा होता है। और सर ने बताया है सर किसके साथ लूँ इसे, ये ले लीजिए तंदूरी रोटी के साथ। और सर ने बताया कि मटन हर चीज़ का कम्बिनेशन होता है, हर डिश का कम्बिनेशन होता है कि कौन सी रोटी के साथ कौन सी डिश खाई जाए, तो आप जैसे सीख कबाब है कभी आप रुमाली के साथ खाएं तो आपको ज़्यादा टेस्ट आएगा, बागर खानी कोरमे के साथ चलेगी, चिकन करी के साथ चलेगी, ये है ब्रेन करी, नान के साथ बटर नान है तो बटर चिकन चलेगा, इसका कम्बिनेशन है ये, तो अगर खाने के साथ साथ खाने अच्छे खाने वालों को थोड़ा थोड़ा सा कम्बिनेशन का भी अंदाज़ा होना चाहिए। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है जी जी, और ब्रेन है स्पंज टाइप का है, बिल्कुल स्पंजी और मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है ताकि इसकी स्मेल इसमें से कम हो जाए, बहुत क्रीमी है। ये रुमाली रोटी है इसके साथ, ये सीख कबाब है, ये बहुत मालूम है हमें तो कुछ भी नहीं पता है सर, जिस चीज़ से बता रहा है मैं उसी से ले रहा हूँ। और ये मटन कबाब है रुमाली रोटी से, इसको ज़रा तोड़ के दिखा, मटन कबाब तोड़ के दिखाता हूँ,
जो इसमें स्पाइसेस हैं उसकी खुशबू सुनिए, एरोमा सुनिए इसका, जिसे बोलते हैं मटन की स्मेल, कोई सी भी नहीं है और फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर पूरा। अगर इसमें 32 मसाले हैं तो तकरीबन ज़्यादातर इनका एरोमा जो है वो उठ कर आएगा, आपको महसूस होगा। आप ये वेजिटेरियन हैं, इसको भी अगर आप खा के देखें नान के साथ तो आपको अलग ही फ्लेवर महसूस होगा। एक बाइट लीजिए, ही खाऊंगा क्योंकि इसका कितना सॉफ्ट है ये देखिए आप जी, और इसकी ग्रेवी भी बहुत शानदार लग रही है। ये पालक पनीर है, मैं अभी तक जब आया था तो मैं नॉनवेज को ज़्यादा प्रेफर कर रहा था, लेकिन जब अभी और... मैंने जो दाल मखनी खाई और शाही पनीर खाया, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में, पुरानी दिल्ली के एरिया में आपसे अच्छा कोई इन दो चीज़ में। और एक ख़ास बात ये बता दूं मैं आपको कि हमारा वेजिटेरियन का किचन जो है वो थोड़ा अलग है, उसमें उनके बर्तन, उनका सारा पोर्शन ही अलग है उसका, क्योंकि बहुत से हज़रात हमारे यहाँ आते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई वेजिटेरियन हमें किचन की पहले दिखाओ फिर हम खाएंगे, तो हम किचन पे विज़िट कराते हैं उनकी किचन में, तो सेपरेट ही डिपार्टमेंट बनाया हुआ हमने वेजिटेरियन का, नॉन वेज अलग है, उनके बर्तन वगैरह हम कोई मिक्स नहीं करते इसमें, उनके बिल्कुल ही बर्तन भी अलग हैं, फ्राई पैन भी अलग हैं, सब चीज़ अलग है। जैसे सर ने बताया कि वेज वाले जो है उनका पूरा किचन ही अलग है, और ये है पालक पनीर, पनीर भी बहुत लाइम है और जो ग्रेवी की थिकनेस है बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल पतला नहीं है। पालक जो है जी ऐसा नहीं बहुत ओवर कुक किया हुआ है, जी। पालक का अपना मज़ा आ रहा है और पनीर का अपना मज़ा आ रहा है। बेशक बेशक सर, मेरे पास वर्ड नहीं है जी, शुक्रिया बहुत तारीफ करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा नहीं है मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, वाकई खाना बहुत शानदार है और करीम ने अपना ऐसे ही नाम नहीं बना रखा, जो इंडिया में बाहर से भी लोग आते हैं और दिल्ली आते हैं तो उनकी पहली च्वाइस होती है कि हमने करीम में जाके खाना खाना है। ये है करीम का मटन स्टू जो मेरा भी फेवरेट है यहाँ का। आपने खुदा का शुक्र है, हमारी ये गुडविल है करीम की, जो चीज़ आपको जेन्युइन मिलेगी प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं है कि खुदा ना करे कोई हम इसमें दो राय ही नहीं है, आपके नाम से लोग आते हैं और जामा मस्जिद कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, जो आज इतना बड़ा फूड स्ट्रीट बना है ये करीम की बदौलत है। शुक्रिया, जो करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन अल्लाह ही करने वाला इस रेस्टोरेंट ने लोगों, लेकिन हमारा मकसद यहाँ बनाया, हमारा मकसद यहाँ लोगों की खिदमत करना भी है, हमें बड़ों ने यही सिखाया कि खिदमत कस्टमर गेस्ट समझ के हम यहाँ खिदमत करते हैं। और ये मटन इसकी ग्रेवी देखिए आप, इसका कलर देखिए, इसके साथ प्याज का यूज़ होता है, इसमें प्याज है और इसमें स्पाइसेस जो होते हैं खड़े मसाले जिनको हम कहते हैं इसमें वो डाले जाते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, आप तशरीफ़ लाए, ये लगता है कि एक एक्सपीरियंस वाली जगह का है जहाँ पे अभी ये खाने आपको देख रहे हैं, सबके कलर, सबका टेस्ट, सब चीज़ अलग अलग मिलेगी आप, कोई ऐसा नहीं है कि एक ग्रेवी बना के हमने सब चीज़ किसी से मेल नहीं खाती। अगर आप चिकन करी देखेंगे तो चिकन करी का कलर और ये चिकन, ये दोनों, ये डिश अलग है, ये अलग, कलर देखिए इसका, टेस्ट देखिए इसका, रेसिपी इसकी अलग है, इसकी अलग है। ऐसा नहीं है कि शाही पनीर और बटर चिकन की ग्रेवी एक है, दोनों की अलग अलग रहती है टेस्ट में, पर टेस्ट अलग होगा। तो चलिए एक आप ये देखिए चिकन देखिए आप कितना बड़ा अगर हम बात करें इस वक्त मौजूदा चीज़ों की, हर चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इनका रंग अलग है, इनके मसाले अलग हैं, चाहे वो इस दौर की हो या मुग़ल दौर की, मटन बर्रा हो या मटन नहारी, दाल मखनी हो या शाही पनीर, बटर चिकन हो या मटन सीख कबाब, हर चीज़ अपने अंदर एक अलग मज़ा लिए हुए है, जिनका रिव्यू करना मेरे बस की बात नहीं है, ये मैंने आप पे छोड़ा, आप मुझे बताएं
आपको यहाँ का खाना कैसा लगता है। स्पेशल शुक्रिया अदा करते हुए ज़ैन अबुद्दीन साहब से मैं लेता हूँ इजाज़त। आपका दोस्त सईद खान। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।